जो आज आपका 12वीं राजनीति विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2, एक दल के प्रभुत्व का दौर। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। लोकतंत्र का मतलब आप जानते होंगे, लोकतंत्र का आशय, लोक मतलब जनता और तंत्र मतलब का अर्थ होता है शासन, कि जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो उपनिवेशवाद से मुक्त हुए देशों में प्रारंभ से ही राष्ट्र निर्माण के लिए चुनौती थी, और ऐसे चुनौती के कारण कई अन्य देशों के नेताओं ने उनके देशों में लोकतंत्र को नहीं अपनाया था, और उपनिवेशवाद से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई, और भारत की परिस्थितियां भी इन्हीं देशों के समान थी। लेकिन जब आजाद भारत के नेताओं ने भारत के लिए लोकतांत्रिक राजनीति को चुना, हमारा भारत जो देश है वह लोकतंत्र पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन योजना क्या है? जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय संविधान निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया। तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत एक संविधान सभा का गठन किया गया था, फिर उसके आधार पर संविधान सभा के आधार पर संविधान का गठन किया गया था। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया, और 24 जनवरी 1950 को इस संविधान पर हस्ताक्षर, जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। हमारे संविधान को बनाने के लिए, भारतीय संविधान को बनाने के लिए कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतना समय लगा था संविधान बनाने या संविधान निर्माण के लिए, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन समय लगा। तब 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इस समय क्या था? देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी, और संविधान में कुछ जो प्रावधान थे, प्रावधानों के अनुसार देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाना था। लोकतांत्रिक सरकार की गठन के लिए पूरे देश में निर्वाचन कराया गया। निर्वाचन मतलब चुनाव कराया गया। इसके लिए चुनाव आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 में हुआ। सुकुमार सेन देश के पहले चुनाव आयुक्त बने। देश के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। और पहले चुनाव आयोग का गठन हुआ था 25 जनवरी 1950। जो भारत के विशाल क्षेत्रफल और जनसंख्या को देखते हुए स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के लिए यह कठिन कार्य था। जो मुख्य परेशानियां थी इस चुनाव को संपन्न कराने में, कि चुनाव है वह निष्पक्ष हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, और उनमें कोई परेशानी ना, क्योंकि भारत का क्षेत्रफल अधिक था, जनसंख्या भी अधिक थी, इसलिए चुनाव आयोग के सामने चुनाव कराना कठिन लग रहा था। और कुछ परेशानियां थी जो इस प्रकार है कि पहले चुनाव कराने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन कराना, दूसरा मताधिकार प्राप्त व्यक्तियों की मतदाता सूची बनाना, फिर मतदान की पद्धति के बारे में निर्णय लेना, क्योंकि मतदाताओं में से मात्र 15% ही साक्षर थे, और सार्वभौमिक मताधिकार जिसके अंतर्गत महिला व पुरुष दोनों को मताधिकार मिला। ये थी परेशानी।
प्रावधानों के अनुसार अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चुनाव हुए, जिसमें लोकसभा की 485 सीटों और राज्य विधानसभा की 3,283 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें लगभग 18 करोड़ मतदाताओं ने अपना मत दिया और इस चुनाव में पार्टियों के उम्मीदवारों के अतिरिक्त निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी भाग लिया, परंतु चुनाव परिणामों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई। सभी सीटों पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वह विजयी हुए। परिणाम की घोषणा होने पर पराजित प्रत्याशी ने भी अपना चुनाव निष्पक्ष बताया और पूरी व्यवस्था पर अपनी आस्था जताई। जो उम्मीदवार विजयी नहीं हो पाए, जो हार गए, उन्होंने भी चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बताया और इस पूरी व्यवस्था पर उन्होंने अपना निर्णय और अपनी आस्था सही बताई। अगर समीक्षक हो जाए तो प्रथम आम चुनाव में यह साबित कर दिया कि गरीबी और अशिक्षा के रूप में भी लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया जा सकता है। यह आम चुनाव पूरे विश्व में लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित हुए। अब पुराने और आज के समय में जो मतदान है इनमें बहुत अंतर आ गया। तो हम अब पर देखेंगे कि मतदान के जो तरीके हैं वो पहले कुछ और थे और अब उन तरीकों में, उन व्यवस्थाओं में बहुत बदल गई है। तो अब पढ़ेंगे मतदान के बदलते तरीके। जब पहली बार चुनाव हुआ था वह चुनाव 1952 में से लेकर वर्तमान तक के जो आज तक के मतदान के तरीके हैं उनमें बहुत अधिक परिवर्तन आया। प्रथम चुनाव आम चुनाव 1952 में हुए और तब से लेकर आज तक मतदान के तरीकों में बहुत अधिक व्यापक परिवर्तन आया है। प्रथम चुनाव में प्रत्येक मतदान केंद्र पर हर एक उम्मीदवार के लिए एक पेटी रखी जाती थी, जिस पर उस उम्मीदवार का नाम व चिन्ह होता था और प्रत्येक मतदाता को एक कोरा मतपत्र दिया जाता था, जिसमें वह अपनी पसंद के उम्मीदवार की पेटी में डाल देते थे। क्योंकि पहले बहुत अधिक साक्षर नहीं थे व्यक्ति, तो हर उम्मीदवार के लिए एक पेटी रख दी जाती थी और एक कागज था कि तुम्हें जिस उम्मीदवार को अपना मत देना है उसमें जाकर यह डाल दो। पेटी के ऊपर हो सकता उम्मीदवारों का कुछ चुनाव चिन्ह या लगा दिया जाता था। सन 1957 में इसी पद्धति से चुनाव हुआ, उसके पश्चात यह तरीका बदल दिया गया। अब मतदान केंद्र पर एक ही मत पेटी रखी जाने लगी तथा मत पत्र पर उम्मीदवार का नाम और चिन्ह अंकित किया जाने लगा। इस पर मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के नाम व चिन्ह के सम्मुख मत अंकित करता था। इस पद्धति से 40 वर्षों तक चुनाव होते रहे और 1990 के अंत में चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन, जिसे ईवीएम कहा जाता है, का प्रयोग या इस्तेमाल करना शुरू किया। सबसे पहले ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग केरल के एक विधानसभा में 1982 में प्रयोग किया और 1982 में प्रयोग करने के बाद 2004 से पूरे देश में ईवीएम का उपयोग चुनाव के लिए किया जाता है। चुनावों में कुछ पार्टियां एवं व्यक्तियों द्वारा ईवीएम पर संदेह भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इसके हैकिंग होने व किसी का वोट किसी दूसरे को जाने की बात है, परंतु निर्वाचन आयोग ने इसे सिद्ध करने के लिए कहने पर कोई भी सामने नहीं आया।
फिर इसके बाद निर्वाचन आयोग ने विश्वसनीयता को बनाए रखने के उद्देश्य से भारत सरकार से अगस्त 2013 में निर्वाचन नियमों का संचालन 1961 को संशोधित करते हुए आयोग को ईवीएम के साथ वीवीपैट का उपयोग करने में सक्षम बनाने की अधिसूचना जारी करी। पहले वीवीपैट मशीन का प्रयोग नहीं होता था। यह वह मशीन है जिसमें कि वोट डालने के बाद जो मतदाता है वह अपनी पर्ची इस मशीन में देख सकता है और 7 सेकंड के बाद वो पर्ची गिर जाती है। और आयोग ने नागालैंड विधानसभा के नाप्तसेन निर्वाचन क्षेत्र से उप निर्वाचन 2013 में पहली बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग किया। आप यहाँ देख सकते हैं ये फोटो में कि मतदान के बदलते जो तरीके हैं, तो यहाँ पर मतदान जो पहले होते थे कि एक बैलेट पेपर होता था, उस पर कुछ प्रत्याशियों के नाम है, जिसके द्वारा प्रत्याशियों के नाम लिखे हुए हैं और इस तरफ उनके ये चुनाव चिन्ह रहते थे। इस जो बैलेट पेपर पर अपनी मतदाता अपनी सील लगा देते थे अपने पसंद के प्रत्याशी के सामने और पेपर को फोल्ड करके मतपेटी में डाल देते थे और इसके बाद फिर उनकी गणना होती थी, फिर चुनाव या निर्वाचन के नतीजे सामने आते थे। तो इसका प्रयोग कब हुआ कि लोकसभा के तीसरे आम चुनाव से 13वें आम चुनाव तक इस्तेमाल किए गए बैलेट पेपर का एक नमूना। इसका प्रयोग हुआ लोकसभा के तीसरे आम चुनाव से लेकर 13वें आम चुनाव तक बैलेट पेपर का इस्तेमाल किया गया निर्वाचन के लिए। और अब प्रयोग होता है मतदान का ये नया तरीका जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से निर्वाचन संपन्न कराया जाता है। ये देखिए ये मशीन है, मशीन में अपने प्रत्याशी के नाम के सामने चुनाव चिन्ह है और वहाँ पर एक बटन है, अपने जो आप जिसको वोट देना चाहते हैं मत देना चाहते हैं तो उस बटन को दबा देते ही आपका मत डल जाता है। ये है ईवीएम मशीन, ये है कंट्रोलर, ये वीवीपैट मशीन और ये है ईवीएम। सबसे पहले कंट्रोलर में से तैयार किया जाता है, तब ईवीएम मशीन में कोई भी मतदाता होता है, जब कंट्रोलर से कंट्रोल देंगे तभी ईवीएम मशीन से वोट डलेगा और ईवीएम से डलने के बाद जो पर्ची है वह वीवीपैट मशीन में आती है। इससे और निष्पक्षता बढ़ जाती है क्योंकि मशीन में जितने संख्या आएगी कि जैसे अगर 200 वोट डाले हैं तो 200 पर्चियां आपकी वीवीपैट मशीन से भी निकलेंगी। वीवीपैट का पूरा नाम है वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल है या ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जुड़ी होती है। ईवीएम में जब वोट डाला जाता है तो वीवीपैट प्रिंटर पर एक पर्ची मुद्रित होती है जिसमें निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशी जिसे वोट दिया गया है उसका सीरियल नंबर नाम और चिन्ह होता है और यह पर्ची 7 सेकंड तक दिखाई देती है। इसके बाद पर्ची वीवीपैट के ड्रॉ बॉक्स